अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। जिसको जाति को लेकर के शिकायत और दिक्कत और परेशानी हो, उसे आज ही किताब खरीद लेनी चाहिए मंडल कमीशन की और उसकी प्रस्तावना पढ़नी चाहिए, और प्रस्तावना के साथ साथ हमारे संविधान की प्रस्तावना भी पढ़नी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए पीडीए की लड़ाई से, ये पीडीए से घबराए हुए हैं। अरे भाई, दिल्ली वालों ने लखनऊ वालों को कच्चा दिया और लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को कच्चा दिया, और उसके लिए सब सर एक दूसरे से मार रहे हैं कि आखिर गच्चा किसने किसको दिया। प्रधानमंत्री ने अनुराग ठाकुर की स्पीच को एंडोर्स किया है कल, और कहा है कि बहुत अच्छी स्पीच है। हाँ, अका सबको सुनना चाहिए। मेरी क्या जवाब देंगे? डर्टी पॉलिटिक्स का राज खोल दिया है। मेरे पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले तो अवधेश प्रसाद जी का आज जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो और ऊंचाई पे जाएं, स्वस्थ बेहतर हो, स्वास्थ्य बेहतर हो, स्वस्थ रहें। देखिए, ये जाति का सवाल, जाति का सवाल कोई नया नहीं है, जाति का सवाल बहुत पुराना है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं। आप हमारे वो साथी हैं जो हर एक पे नजर रखते हैं, और एक समय ऐसा आया था उत्तर प्रदेश के सदन में जहां शूद्र को लेकर के बहुत सी चर्चा शुरू हो गई थी, और मुझे याद है कि मैं जब मंदिर के दर्शन करने गया तो कुछ ऐसी ताकतें हैं समाज में, वो नहीं चाहते थे कि मैं हवन पूजन करूं। मैं आपसे कहूंगा साथियों कि वो जानने की कोशिश आप करना कि वो कौन सी ताकतें हैं समाज की जो किसी को पूजा पाठ के लिए, हवन के लिए उस समय रोक रही थी। और वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। मुझे कोई आज समझा दे, कोई जागरूक समझदार इंसान मुझे समझा दे कि किसी मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से कैसे साफ किया जा सकता है। मैंने लोकसभा के चुनाव में मैनपुरी में देखा कि बहुत सारे लोगों ने प्रतिमा को धोया था। अगर ये सब बातें मैं भूल जाऊं एक बार को, लेकिन उसके बाद मैं कन्नौज में उस मंदिर में गया था जिस मंदिर में जाकर के पहली बार मैं चुनाव जीता था, और मेरे वहां आने के बाद मंदिर धोया गया था। सोचिए, आप कल्पना कर सकते हो, जब आप चंद्रमा में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो, डिजिटल इंडिया की बात हो रही हो, विश्व गुरु, अमृतकाल, विकसित भारत, और आप गंगा जल से धोएंगे मंदिर को। सवाल अगर ये हट जाए एक बार को, और जो सदन का सवाल है, क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। और जाति का सवाल जिसको जानना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की किताब एनिमिलेशन ऑफ कास्ट, एनिमिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़नी चाहिए। अगर कोई इस सदन में और जिस विचारधारा से हम लोग जुड़े हैं, नेताजी जुड़ रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा को लेकर के जा रहे हैं, उन्होंने जाति तोड़ो की बात कही थी, इनके पास अगर कोई व्यवस्था हो जिससे जाति तोड़ी जा सके, बीजेपी के लोग बताएं कि जाति तोड़ो आंदोलन जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने चलाया था और समाज में एक परिवर्तन लाने की कोशिश की थी, क्या जाति तोड़ो आंदोलन का उनके पास कोई दूसरा है विकल्प? और फिर जिसको जाति को लेकर के शिकायत और दिक्कत और परेशानी हो, उसे आज ही किताब खरीद लेनी चाहिए मंडल कमीशन की और उसकी प्रस्तावना पढ़नी चाहिए, और प्रस्तावना के साथ साथ हमारे संविधान की प्रस्तावना भी पढ़नी चाहिए जिसमें सोशलिस्ट कंट्री की बात कही है, जिसमें गैर बराबरी खत्म करने का रास्ता दिखाया गया है, और जाति के आधार पर ही आपको आरक्षण क्यों दिया है।
आरक्षण इसीलिए दिया कि हम जाति के आधार पर हम गरीब हैं। तो अगर ये मांग हो रही है कि जाति जनगणना हो तो कोई गलत नहीं है। हमारे बहुत सारे फैसले और बहुत सारी नीतियां तभी अच्छी बनेंगी जब जाति जनगणना हो जाए और समाज को ये पता लगे कौन कितनी आबादी का है, उसको उस हक और सम्मान के साथ उसको उसमें मिल जाए। और सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए पीडीए की लड़ाई से, ये पीडीए से घबराए हुए हैं, क्योंकि एनडीए को अगर किसी ने पटका है तो पीडीए ने पटका है। और जो लोग कहते थे एम बाई गठबंधन, एंड हमारे पीडीए ने एम बाई को हराने का काम किया है, इसका जवाब उनके पास नहीं है। सर, प्रधानमंत्री जो अपलोड कर रहे हैं अनुराग ठाकुर के स्टेटमेंट को, उसमें कुछ है? उनके लिए कहा है कि वो 99 बार इस तरह का कहें सदन में तब वो मंत्री बनेंगे। मैं पत्रकार साथियों से हाथ जोड़ूंगा, कल भी मैंने कहा कि आप मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करोगे, उससे कोई और उम्मीद कर सकते हैं आप? आप कोई उम्मीद ये कर सकते हैं कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे? क्या उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि आज के जमाने के हिसाब से किसान के लिए वो मंडी बनाएंगे? जितने बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार हैं, क्या उनको नौकरी देने का बात कहेंगे? अरे, जिन्होंने बिजली को महंगा कर दिया हो, बिजली के कारखाने पूरे न किए हों, उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया हो, और उनसे क्या उम्मीद करोगे? क्योंकि वो ध्यान हटाना चाहते हैं, कभी तख्ती लगवाते फिर रहे हैं, कभी फिर वो ऐसे कानून ला रहे हैं। अरे, छुआछूत के खिलाफ भी कोई काम करेंगे? और फिर सरकार, ये जानते हैं आप, अगर इंटर कास्ट शादी करते हैं तो आपको मदद करती सरकार, आप इंटर रिलीजन करते हैं तो यूपी की सरकार मदद करती थी। तो इसी सरकार से पूछो कि पिछले 6 साल से जो पॉलिसी बनी हुई थी कि इंटर कास्ट इंटर रिलीजन शादी में सरकार मदद करेगी, तो ये बताएं कि सरकार मदद करेगी कि वो भी खत्म कर दिया कानून? अरे भाई, दिल्ली वालों ने लखनऊ वालों को अच्छा दिया और लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को अच्छा दिया, और उसके लिए सब सर एक दूसरे से मार रहे हैं कि आखिर गच्चा किसने किसको दिया।